अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज कर्व दैट हेल्प इन विजुलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन और एट एनी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें मेनली दो इन्फॉर्मेशन देती हैं. फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ टू फाइंड डायरेक्शन वी ड्रॉ टेंजेंट टू फील्ड लाइंस and this tangent gives us direction of electric field. And for strength of electric field lines, we look at density of lines, and density of field lines can be calculated by number of lines over by gap between lines. If density is large in any region, then we can say strength of electric field is strong in that region. And if density is small, then strength of electric field will be weak. अब हम electric field lines draw करने के कुछ rules होते हैं, उनके बारे में study करेंगे. So first rule है कि field lines start from positive charges and end at negative charges. If there is a single charge, then electric field lines may start or end at infinity. अब हम एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे. तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं. यदि कोई सिंगल चार्ज है तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट और एंड हो सकती हैं. तो हम देख सकते हैं कि प्लस वन नैनो कूलम्ब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं और ये इन्फिनिटी पे एंड हो रही हैं. अब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए सेंसर यूज करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज से दूर की तरफ है. यदि हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तब भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है. यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज से दूर की तरफ होती है या रेडियली आउटवर्ड होती है. अब हम इस पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं. तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू दिखाई दे रही है. एक है 1.0 डिग्री. यह इलेक्ट्रिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से की डायरेक्शन शो कर रहा है. एंड सेकंड वैल्यू है 7.54 वोल्ट पर मीटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पोजीशन पर मैग्नीट्यूड है. वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक यूनिट होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 × Q/r², यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी. तो यहाँ पर हम यदि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. यहाँ पर 4.24 वोल्ट पर मीटर हो जाती है. यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आते हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है. यहाँ पर 41.7 वोल्ट पर मीटर है. अब यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज को डबल कर देते हैं, यानी कि प्लस 2 नैनो कूलम्ब कर देते हैं, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाती है 81.9 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल. यानी कि चार्ज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाता है. अब हम सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं और इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं और इस नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं. सिमिलरली हम डायरेक्शन के लिए फिर से सेंसर यूज करेंगे और देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ है. यानी कि एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होती है या फिर रेडियली इनवर्ड होती है. सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है. अभी हमने सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना सीखा. जब हम इन्हें पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ की जाती हैं. अब हम सेकेंड रूल के बारे में पढ़ते हैं. सो सेकंड रूल इज कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. इसे समझने के लिए हम
दो फील्ड लाइन लेते हैं 1 और 2 जो कि किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इन फील्ड लाइंस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो टेंजेंट होंगी, यानी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, एक होगी वेक्टर E1 के अलोंग और दूसरी होगी वेक्टर E2 के अलोंग। यानी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी, इसीलिए कभी भी टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें यूनिक डायरेक्शन नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट है कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड में एक चार्ज को ट्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि वह चार्ज एक कंटिन्यूस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वह चार्ज कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं करता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, उनमें कुछ सडन ब्रेक्स नहीं होते। अब लास्ट रूल है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म एनी क्लोज लूप। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, या इन्फिनिटी से स्टार्ट एंड एंड होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक चार्ज से स्टार्ट होकर उसी चार्ज पर एंड नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप भी नहीं बना सकती। अब हम कुछ चार्ज कॉन्फिगरेशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस प्रकार से होंगी। ये इनसे स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे एंड हो रही होंगी। अब हम सेंसर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम राइट वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उनसे दूर की तरफ होगी। यहाँ पर दोनों ही चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में होगी। वैल्यू भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये है 39.5। यदि हम दूर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पर 10.2 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। अब यदि हम इन दो चार्जेज के बीच में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो भी होगी। तो सबसे पहले हम राइट वाले चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 155 वोल्ट पर मीटर है और इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर राइट वाले जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, बट जो लेफ्ट वाला चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी। पर यह पोजिशन राइट वाले चार्ज के पास में है, इस कारण इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम लेफ्ट वाले चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अब यदि इस पॉइंट से हम और मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हमारी पोजीशन लेफ्ट वाले चार्ज के ज़्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आ जाता है। अब इसी प्रकार यदि हम लेफ्ट वाले चार्ज के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी दोनों चार्जेस के कारण, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, एंड वैल्यू यदि हम चार्ज से दूर जाते हैं तो डिक्रीज होगी। सिमिलरली अब हम दो नेगेटिव चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दो नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और इन नेगेटिव चार्जेस पर एंड होंगी। अब सेंसर लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, तो हम इन दोनों चार्जेस के बीच में देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें जब हम राइट वाले चार्ज के पास में है तो ये हमें राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण अपनी तरफ होती है। तो राइट वाले चार्ज के कारण तो यह राइट डायरेक्शन में होगी, और लेफ्ट वाले चार्ज के कारण यह लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। बट हमारी पोजिशन राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम इस पोजिशन से मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। एक और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अब यदि इस पॉइंट से हम मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाती है, क्योंकि अब हम लेफ्ट वाले चार्ज के ज्यादा पास में हैं। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनके कारण इस प्रकार से होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो हम सेंसर के थ्रू देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव चार्ज के राइट डायरेक्शन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी राइट डायरेक्शन में। बट हमारी पोजिशन नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अब यदि हम इन चार्जेस के बीच में सेंसर को लगाएं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण राइट डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण भी राइट डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम इस पोजिशन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। इसके बाद में यदि हम फर्दर मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंक्रीज होने लगता है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन सेम रहती है, यानी कि राइट डायरेक्शन में। अब यदि हम पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी एंड पॉजिटिव के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में। बट हमारी ये पोजिशन पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास में है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपने दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस एंड एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करना सीखा, एंड ये भी देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है एंड डायरेक्शन चेंज होती है डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पर।